हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने फ़ोन में जो है जब पबजी खेलते हैं तो आपकी पबजी जो है लैग क्यों करती है। बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आजकल ये सभी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैग इशू। और जैसे कि आप पैराशूट से उतरते हैं, उसके बाद जो है एकदम से गेम लैग करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वहाँ पे हाई आरपी के बंदे उतरते हैं। तो बहुत सारे वहाँ पे आरपी के बंदे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारी गेम जो है वो लैग करना स्टार्ट कर देती है। और अगर आपका डिवाइस 2 GB रैम का होगा तब तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, अगर आपका फ़ोन 2 GB या 3 GB रैम का है। तो आज मैं आपके लिए पूरा यहाँ पर सेटिंग्स बताऊँगा कैसे जो है आप उसे ठीक कर पाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की वीडियो जो है अपलोड होती रहती हैं। और दोस्तों, ये जो मैं गेम अभी प्ले कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, ये मैं खेल रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7 नेक्स्ट, जिसकी 2 GB रैम है। और आप देख सकते हैं कितना स्मूथली वर्क कर रहा है, कितनी स्मूथली प्ले हो रही है, गेम ज़रा भी लैग नहीं कर रही है। तो आप भी अपने J7 नेक्स्ट या फिर कोई और डिवाइस जिसकी रैम 2 GB है, तो आप भी इस तरह बिल्कुल स्मूथली जो है पबजी खेल सकते हैं। बस आपने मेरा वीडियो पूरा यहाँ पे फॉलो करना है। और अब मैं आपको बताऊँगा कैसे आपने ये सेटिंग्स करनी है, कैसे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो सेटिंग है बहुत ही इजी है, और आप अपने पबजी गेम में ही ये सेटिंग कर सकते हैं। तो आपने सिंपली अपनी पबजी गेम जब ओपन करनी है, आपने लॉबी पे जाना है, फिर उसके बाद आपने जाना है सेटिंग पे। और दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, आपने बस उन स्टेप्स को फॉलो करना जैसे मैं आपको बताऊंगा, और आपकी लैग जो है बहुत हद तक जो है सॉल्व हो जाएगी, और आप इजीली अपनी गेम जो है स्मूथली खेल पाएंगे। तो आपने जाना है सेटिंग पे, फिर आपने जाना है ग्राफिक वाली सेटिंग पे। तो ग्राफिक वाली सेटिंग पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, स्मूथ, बैलेंस, HD, HDR, अल्ट्रा HD। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में HDR सपोर्ट करता है तो आपने HD में रखना है, अगर HDR सपोर्ट करता है तो आपने HD में ही रखना है। दोस्तों, आप ध्यान से देख लिए, अगर HD सपोर्ट करता है तो आपने बैलेंस में रखना है, और अगर आपके फ़ोन में अल्ट्रा HD सपोर्ट करता है तो आपने हाई पे रखना है, अगर हाई सपोर्ट करता है तो आपने मीडियम पे रखना है। और नीचे आ गया आपका स्टाइल, जो आपका ग्राफिक्स है वो आपने यहाँ पे रखना है, जैसे कि क्लासिक आ गया, कलरफुल आ गया, आपका रियलिस्टिक आ गया। तो आपने यहाँ पे मूवी सेलेक्ट करना है, क्योंकि मूवी वाले मोड पे जो है आप इजीली जो है किल भी कर पाएंगे और अच्छे से स्कोप भी लगा पाएंगे, क्योंकि मूवी वाले मोड में जो आपको सब कुछ जो है क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि उसमें शार्पनेस जो है वो ज़्यादा आ जाती है। तो ये थी सेटिंग। और उसके बाद जो है आपने नीचे देखना है, यहाँ की जो ब्राइटनेस है वो अपने आप अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। और नॉन स्टैंडर्ड स्क्रीन्स आपके फ़ोन में, अगर नॉच है तो नॉच पे सेलेक्ट करना है, नॉर्मल है तो नॉर्मल पे, राउंड और कॉर्नर है तो राउंड पे सेलेक्ट कर लेना है। और लास्ट वाला ऑप्शन जो है आपने इसे डिजेबल रखना है, ऑटो एडजस्टमेंट ग्राफिक वाला जो ऑप्शन है लास्ट में, उसको आपने ऑफ ही रखना है, क्योंकि अगर आपने उसे ऑन किया तो आपके जो ग्राफ हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते रहेंगे। आपने इसलिए जो लास्ट वाला ऑप्शन आएगा आपका, उसको आपने ऑफ ही रखना है, जो ऑटो एडजस्टमेंट ग्राफिक वाला ऑप्शन आता है उसको यहाँ पे देखते, तो यहाँ पे ऑफ रखना है, मैंने इनेबल रखना है, लेकिन आपने इसे जो है डिजेबल कर देना है। तो इसके बाद जो है आपकी गेम जो है बहुत हद तक जो है लैग नहीं करेगी। जब आप जो है एकदम से नीचे उतरेंगे और वहाँ पर हाई आरपी के बंदे आएंगे तो आप ईज़िली अपनी गेम को खेल पाएंगे बहुत ही ईजी। तो आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, अगर सही हुआ तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।